Hey everyone, this is CA मैं अभिजीत सिंह गुप्ता। दो साल CA Foundation का जो रिजल्ट आया है, इस वाले के काफी सारे रिजल्ट हैं, अपडेट्स मैंने देखे हैं, and I'm really really happy for those who succeeded and congratulations to all the successful people. Now you will be working hard with CA Inter and CA Final in future and I really hope that you will be doing very well in the future. But दोस्तों ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के डेट में जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको बहुत सारे कॉल्स आए होंगे, बहुत सारे पार्टी चल रही होगी, एक्सेट्रा सब चीज़ें हो रहा होगा। दैट्स वेरी गुड, यू डिजर्व, ठीक है। बट ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो अनफॉर्चुनेटली आज सक्सेसफुल नहीं है, ओके। हमें कॉल शायद आ भी रहे होंगे, लेकिन ये उनके कॉल्स हैं जो शायद देखना चाहते हैं कि देखो भाई इसने सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है, एंड वी डोंट वांट टू फेस दैट, वी डोंट वांट टू टॉक, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा एंड तक देखें, ठीक है। अगर इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ सच में फ्रूटफुल मिला, सो आई विल बी रियली हैप्पी कि इसकी वजह से इफ दिस वीडियो बिकम्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू एंड लेटर ऑन अगली बार यू डू क्लियर योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, इफ दैट हैपेंस आई विल बी रियली ग्लैड फॉर दिस, एंड दैट इज द इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों हो गया फेल, ठीक है, वी डिडंट सक्सीड, हो गया, क्या फिर गिव अप कर दे, हार मान जाए। सबसे आसान यही होता है लाइफ में, लाइफ हमें लगातार चैलेंजेस देते रहता है, एंड व्हाट वी कैन डू इज यू कैन इजीली गिव अप, अरे यार छोड़ना यार नहीं होगा, मिक्स यही करोगे आप, ये फाइट बैक करना इरादा क्या है, योर एटीट्यूड रियली मैटर्स हियर, गेटिंग मी। सो दोस्तों देखो एटीट्यूड बहुत ज्यादा एक अलग अलग स्टेज में आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाइल प्रिपेयरिंग, जो भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, सो प्रिपरेशन के वक्त में योर एटीट्यूड शुड बी पेसिमिस्टिक, दैट इज यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, बहुत ही बुरा पेपर आने वाला है, सबसे बेकार आने वाला है, मेरे अटेम्प्ट के वक्त ही सबसे बेकार आएगा, ठीक है, ये सोच के हमने प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन व्हेन यू गो फॉर द एग्जामिनेशन यू शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जब एग्जामिनेशन फेस करने जा रहे हो आपने ऐसा सोच के जाना चाहिए, एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए अरे सब आएगा, सब इजी आएगा, सब होता है, लेकिन होता उल्टा है, होता यह है कि प्रिपरेशन के वक्त हम हो जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक, अरे ये हार्ड है ना ये नहीं आएगा छोड़ दे इसको, ठीक है, अरे वो टॉपिक वैसे ही है छोड़ दे उसको, ठीक है, और जब एग्जामिनेशन में देने जाने होते तब हम लोग हो जाते हैं पेसिमिस्टिक, अरे बापरे अगर हार्ड है तो अब क्या करूं, भाई एटीट्यूड मैटर्स, ठीक है, शुरुआत से सही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे मैटर करता है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्रिपेयरिंग विद पेसिमिस्टिक थिंकिंग, लेकिन आगे चल के जब एग्जामिनेशन में जा रहे हो ऑप्टिमिस्टिक सोच के जा रहे हो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, देखो क्या होता है कि जब हम लोग रिजल्ट्स को देखते हैं तो रिजल्ट्स को देखने के बाद अपसेट तो सब हो जाते हैं अगर सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन डिड यू एनालाइज कि क्यों नहीं हुए हम लोग सक्सेसफुल, क्यों सक्सीड नहीं हुए, व्हाट वाज द रीजन, टेल मी ऑनेस्टली वर यू प्रिपेयर्ड 100%, क्या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर किया था। देखो अलग अलग चीजें होते हैं, जैसे कुछ लोग हो सकता है अंडर प्रिपेयर्ड, सब पढ़ गए, ठीक है, मुझे पता ना, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ इसलिए मैं अकाउंट्स के बारे में ही कहूँगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स में क्या सब लोगों ने पूरा 100% कवरेज किया था, उसका चैप्टर वन थ्योरी पढ़ा था कि छोटे गए। अच्छा और भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन चैप्टर में क्या हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ के गए, क्या सम ऑफ इयर्स डिजिट्स मेथड पढ़ा था, डिप्लीशन पढ़ा था। अच्छा हाँ कंसाइनमेंट जैसे टॉपिक में, अरे यार वो इनवॉइस प्राइस मेथड बहुत कंफ्यूज करता है, चलो यार वो छोड़ के जाते हैं, क्या ऐसा किया था, अरे वो सेल और अप्रूवल बेसिस छोटा सा छोड़ना यार वो नहीं आएगा छोड़ दो, ऐसा किया था, थिंक अबाउट वेन यू प्रिपेयर्ड 100%। अगर आप 100% प्रिपेयर नहीं थे गलती आपकी है, ठीक है, आप सीए फाउंडेशन एग्जाम देने जा रहे हो विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट, तो वहां पे आप अंडर प्रिपेयर्ड होकर जा रहे हो, बात सोचो भाई, आज बुरा लगेगा तो बिल्कुल लगेगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो, शायद लाइफ आपको एक अच्छा मौका दे रहा है, क्या मौका दे रहा है, आप अगर अंडर प्रिपेयर्ड होने के बाद भी पास हो जाते बाय चांस, तो भाई साहब आप और हायर लेवल्स पे अंडर प्रिपेयर्ड जाते, क्या होता आगे जाके प्रॉब्लम होता ना। सो आपको एक दूसरा मौका मिला है, इस बार जब आपको आगे बढ़ना है यू विल बी मूविंग अहेड विद मोर प्रिपरेशन, ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहो, करेक्ट। आई नो ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं ये दिस साउंड ऑफ प्रवचन है ना, और प्रवचन में अक्सर हम लोग दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन द पॉइंट इज कि जो सच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को ये प्रवचन निकाम का लग रहा होगा। सो दोस्तों आप सबसे पहली बात तो यही है, वचन दे रो, प्रॉमिस कर लो कि इस बार हम लोग कुछ भी पोर्शन छोड़ के नहीं जाएंगे, 100% कवरेज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो है अंडर प्रिपरेशन, दूसरा एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है और वो ये है कि पढ़ने के बाद भी सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर हम पढ़ के गए सर, हमने ईमानदारी से पढ़ाई किया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, पता नहीं वो घबराहट एकदम टेंशन में आ जाता है, ठीक है। दोस्तों देखना क्या होता है कि कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऊपर भी नहीं जाना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस, और ना ही कॉन्फिडेंस का ग्राफ नीचे आना चाहिए अंडर कॉन्फिडेंस,
लेकिन हमारे प्रिपरेशन लेवल नहीं होते रहते, ठीक है। हम कुछ कुछ टॉपिक में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे ज्यादातर जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अरे क्या डेबिट क्रेडिट को कौन कंफ्यूज होता है, डेबिट क्रेडिट इजी है ना, डेबिट क्रेडिट थोड़ी पट पड़ता है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, है कि नहीं। तो भाई जरा सोच के देखिए, ऐसे ही एटीट्यूड वाले लोगों को मैंने देखा है कि अगर इनको अगर बाई चांस मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक से फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड वेजेस अकाउंट का नेचर क्या है, प्रीपेड वेजेस अकाउंट, तो ऐसे ही लोगों ने मुझे जवाब दिया, अरे सर प्रीपेड वेज ना नॉमिनल अकाउंट है, कौन सी बड़ी बात, नॉमिनल अकाउंट भाई साहब, प्रीपेड वेजेस इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और यही चीज सेकंड चैप्टर में लिखा है। लेकिन हमें तो सब आता है, अगर इस तरह की एटीट्यूड लेके पढ़ाई करके जा रहे हो क्या हो, बात समझ में आ रहा है। So, आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, वाई आर यू अंडर कॉन्फिडेंट, वाई आर यू ओवर कॉन्फिडेंट, यू नीड टू लुक एट दिस। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, उससे डेंजर और कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो और जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाई करो। दूसरी बात, अंडर कॉन्फिडेंस का इलाज है, क्या इलाज है, प्रैक्टिस करो और कोशिश करो। क्या हो गया आज एक बार सॉल्व करने पर नहीं आया, क्या हो गया मेरे दोस्त को आ गया लेकिन मुझे नहीं आया, फिर से कोशिश करो, kidding me? I'm there for you. इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, मैं ये जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि you should be my student. अब कोई भी हो, मैं YouTube पे इस वीडियो पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि अगर कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो, I don't care. I'm always there to help. अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पे अंडर कॉन्फिडेंस लग रहा है, टू रीच आउट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और रीजन होता है एग्जामिनेशन में फेल होने का, एंड दैट इज पैनिक अटैक्स। लास्ट मोमेंट में बहुत सारे जब ऐसा हुआ था, पेपर देने गए, वहां जाके हाथ कांप रहे, क्या करे, घबराहट है ना, जो चीज मुझे वैसे नॉर्मली आ जाते हैं क्लास में, मैं इजीली आंसर दे देता हूँ, वही चीज मैं एग्जाम में नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, दिस इज व्हाट इज पैनिक अटैक, ये भी होता है कई बार होता है, ठीक है भाई। हर चीज का इलाज है, क्या इलाज है पैनिक अटैक्स का, गो फॉर टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज दे रहे के आदत डाल लो, एक बार आदत पड़ जाए तो आप फाइनल एग्जाम में जाके आपको कभी घबराहट नहीं, थोड़ा तो होगा लगता है लेकिन उतना नहीं होता, आप उससे कोप अप कर जाते हो, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज ही नहीं किया, आपने गलती की, समझ रहा हूं। दोस्तों, let me tell you one thing. It is very good to dream, but dream don't work unless you आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके अपने dreams पे आप सक्सेस होंगे। So मैं चाहता हूँ कि आप लोग at this stage, मैं आपको एक goal बताना चाह रहा हूँ that you should follow for the coming December examination. And I am ensuring you कि अगर आपने इन चीजों पे अमल किया, तो you are definitely gonna score very good marks in the next examination and you will be through with your CA foundation. Okay? It will be better agar aap in cheezon ko likh lo kahin pe, kyunki in sab baaton ko aksar hum yaad nahi rakhte, hum log inhe sunte hain aur bhul jate hain, isliye kahin pe likh lo to acha hoga, theek hai. Sabse pehle goal number 1 is is bar hum concepts pe dhyan denge, bhai you are preparing for CA foundation examination and topics subjects like accounts, bhai accounts to sabse bread and butter subject hai, hai na, isme shortcut seekhe jaoge, ye bhi seekhe jaoge ki yaar isko plus kar do, isko minus kar do, kaam khatam. You need to understand what you are doing. Getting me? अगर मुझे final accounts पे सिर्फ मालूम है कि यार इसको trading में inner column में लिख के इधर plus कर देने का और इधर balance sheet पे इधर लिख देने का, why are you doing that? क्यों लिख रहे हो? Why are you adding in the balance sheet? If you don't understand that concept, तो इतना याद रखना, institute आपको फिर से confuse कर देगा. Getting me? So what you need to do is understand the concepts. Institute यही check कर रहा है कि कितने जन conceptually आगे बढ़ गए. That's first. ठीक है? Goal number 2, you should focus, you should practice on developing the interpretation skills. What happens is, try to understand, हम लोग question पढ़ते हैं, हम लोग practice भी करके गए, और हमें मालूम है करना क्या है, we know about it. लेकिन point ये होता है कि हम लोग को question को पढ़ने के बाद उसे सही तरह से interpret ही नहीं कर पाते कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है? What they are asking, we are doing something else. ये होता है. So as a result, you need to clearly focus on developing interpretation skills. ठीक है? इसके अलावा just make sure that this time you solve all the questions of module. When I say all, please note, I mean सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं, जो ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं हर चैप्टर के एंड में, जो एमसीक्यूज दिए हैं मॉड्यूल में हर चैप्टर के एंड में, जो थ्योरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मॉड्यूल में हर चैप्टर के एंड में, ये सारे के सारे चीजें आप प्रैक्टिस करके जाओगे, एवरीथिंग, ओके? एंड अलोंग विद दैट, कम से कम पास्ट 10 क्वेश्चन पेपर्स जो एग्जामिनेशन में आए थे, पास्ट 10 पेपर्स यू शुड बी सॉल्विंग देम, एंड बिसाइड्स दैट यू शुड आल्सो बी सॉल्विंग द एनटीपी एंड आरटीपी क्वेश्चंस, ये बेयर मिनिमम है, इतना आपको करना ही करना है। आप कुछ लोग ये सुन के बोलेंगे, अरे सर पिछले बार भी तो करके गए थे, ठीक है फिर से करो और इस बार ऑडिट मत करना, इस बार सॉल्व करो, सोच के देखो, अगर आप बोल रहे हो कि पिछले बार भी करके गए थे, डिड यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन,
कि आपने सीधा मॉड्यूल में सोल्यूशन या कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन देके वहां पे से देख रहे थे, ये यहाँ पे लिखना बराबर, ये तो मैं आराम से कर लेता। ये आपके मन में जरूर आया होगा कि मैं आराम से कर लेता, लेकिन कर नहीं पाया। सो दिस टाइम डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, ठीक है? आपने करना यह है कि आपने इन क्वेश्चंस को दोबारा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, ओके? इसके अलावा आप लोग अगर ये सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लें, ओके, तो लुक फॉर सम मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस नहीं। आजकल फ्री कंटेंट्स बहुत मिल रहे हैं, सभी जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे क्वेश्चंस, बट लुक फॉर मोर क्वेश्चंस एंड स्पेशली पर्टिकुलरली ऑन दोस टॉपिक जिनमें हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिनमें हम घबरा ज्यादा रहे हैं, इन टॉपिक्स में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश, ठीक है? अब इसमें भी एक बात मैं बताऊंगा कि क्या होता है कि फ्री कंटेंट्स के बारे में जो कहा है, तो फ्री कंटेंट के बारे में ऐसा है कि हम में से बहुत सारे जन अक्सर पूरी तरह से फ्री कंटेंट के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं, पूरी तरह से, ठीक है? तो भाई मुझे एक बात बताना, जैसे आपको भूख लग रही है, आपको अभी भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि कहाँ पे कोई शादी वादी चल रही है, चल भाई वो वहां चलते हैं, वहां पे जाके खाना खा लेते हैं, मालूम नहीं, वी आर नॉट इनवाइटेड, बट घुस जाएंगे, जाके खा के आ जाएंगे, या कहीं लंगर वंगर चल रहा है, चलो भाई वहां पे खाने चलते हैं। Are you always dependent like that? कि जब भी भूख लगे, you will always be going to a langar और uninvited guest बनी किसी भी पार्टी में घुस जाएंगे, वहाँ जाके खा के आएंगे, ऐसा है? Free में खाना? You always look for that और you work for it कि भाई भूख लगे तो मेरे पास बंदोबस्त होना चाहिए खाने का। Education में क्यों ऐसा करना? Education में अगर आप free contents के पीछे जा रहे हो, please note free content is basically marketing. Marketing में कोई भी बंदा 100% सब चीजें नहीं करता, ठीक है? वो दिल से कभी नहीं करेगा कुछ भी चीज, आपको पूरा का पूरा नहीं मिलने वाला उसमें। Please don't go behind free content. आपको पैसे जरूर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन एक और बात यह है कि you do get offers, you do get some such courses where maybe the faculty is offering the course at a lower cost. ठीक है? So go for that. Don't go for behind. Don't be 100% dependent on free content. That is my personal opinion to you. Now that can differ from person to person. अच्छा, और एक बात मैं जरूर बताऊंगा, चीजों को डिस्कस किया करो, लेकिन किससे डिस्कस किया करो ये मैटर करता है। देखो, आपको पहचानना है कि आपके लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जो आपको सच में आपको पुश करते हैं टुवर्ड्स मूविंग अहेड, ठीक है? क्योंकि लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक्चुअली आपको पुश नहीं करते, वो आपको पुल करते पीछे, नहीं भाई मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, आई डोंट वांट यू टू सक्सीड, आई डोंट वांट यू टू गो अहेड, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो पहचानो कि कौन सच में आपके लिए सोच रहा है और उनके साथ बिल्कुल डिस्कस किया करो, उनका एडवाइस लिया करो और उसके मुताबिक आगे बढ़ो। गेटिंग मी? बी डिटरमिंड दिस टाइम, बहुत हो गया, अब हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से सोच समझ के डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, जाना है। बी मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन का जो ग्राफ रहता है ये भी बहुत अजीब सा रहता है। मोटिवेशन का ग्राफ कुछ ऐसा है कि इनिशियली हम लोग बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, आई विल डू इट, आई विल डू इट इन एनी केस, इस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके बाद यस आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, उसके बाद अरे यार हाँ यार करना है यार, नहीं 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 आई विल डू इट, उसके बाद Don't limit your challenges. Challenge your limits. ठीक है? Determination के साथ आगे बढ़ो and इस बार लक्ष्य को हर हाल में पाना है। Okay दोस्तों, so that's it. This is CMA अभिजीत सिंह गुप्ता signing off for now. And I really hope कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, this will make some change in your life. And I'm quite confident कि अगर आपने पूरा एंड तक इस वीडियो को देखा है, तो आप में वो जज्बा तो है, आप में वो बात तो है कि आप इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करोगे और अगले अटेम्प्ट में आप इसको सक्सेसफुल में टर्न करवा के रहोगे। डू पास दिस वीडियो टू ऑल द पीपल हु नीड इट एट दिस मोमेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत जरूरी था कुछ लोगों के लिए, प्लीज डू पास इट ऑन, दैट इज व्हाट माय अटेम्प्ट इज इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड बाय।